हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डेली जॉब अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि व्यापम में जेई की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, तो दोस्तों अभी जेई की भर्ती आ गई है, तो आप इसका आवेदन 28 सितंबर 2020 से कर सकते हैं और इसका आवेदन आप लास्ट 12 अक्टूबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संशोधन करने का दोस्तों इसमें दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें दोस्तों, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹500 फीस पेमेंट करनी होगी और ₹250 SC ST और अदर बैकवर्ड कैंडिडेट हैं उनको पे करना होगा। जो बैकलॉग कैंडिडेट हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना है। दोस्तों, ये जो भर्ती रहेगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप मान के चल सकते हो कि ये वैकेंसी कुछ दिनों तक आपकी संविदा पर होंगी, उसके बाद परमानेंट करने का जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की रहेगी। तो इसके लिए यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग से ₹80 भी इसमें पेमेंट करने होंगे। आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको ₹80 भी इसमें पेमेंट करने हैं। इसमें परीक्षा का दिनांक भी दोस्तों घोषित कर दिया गया है कि 9 से 10 दिसंबर 2020 तक इसका आपकी परीक्षा करा दी जाएगी और प्रथम और द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कौन सी वैकेंसी, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए इस बार व्यापम जेई में वैकेंसी नहीं आई है। हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी जो कि व्यापम निकालती थी हर साल, इस साल क्यों नहीं निकाली है और कब निकालेंगे, हम इसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और आगे बढ़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके, दोस्तों काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, इसलिए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन ना बता के आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए आप तक वही पहुँचाएँगे। दोस्तों, अब डायरेक्ट आपको ले चलते हैं 20 पेज नंबर पर, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है और जो आपकी संविदा भर्ती होंगी वो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में होंगी, मतलब नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी दोस्तों 35 हैं और इसमें AWS के लिए 0 वैकेंसी दी गई हैं। और देख सकते हो दोस्तों कि आपको कैसे कैसे कोटिवार डिवाइडेशन वैकेंसी का किया गया है। टोटल वैकेंसी दोस्तों आपकी 52 रहेंगी। इसमें दोस्तों आपको आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए और ओपन वैकेंसी कैसे कैसे हैं आप देख सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि ये वैकेंसी जो रहेंगी अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेंगी, इसलिए सैलरी आपकी कंसोलिडेटेड है। और इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे 3 वर्ष डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, तो दोस्तों इससे ये क्लियर हो जाता है इस पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आप लोगों के लिए। फीस दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको परीक्षा पाठ्यक्रम बता देता हूँ कि परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, आपके 200 नंबर की टोटल परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर का आपका डोमेन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी 100 नंबर से आपके जो आपका GS मैथ 20-20 नंबर के ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों आप एक बार मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, मैथ, जनरल साइंस और MP की GK और आपकी इंग्लिश और आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान और साथ ही दोस्तों इंजीनियरिंग, उसके रीजनिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और हर क्वेश्चन का एक आंसर, एक अंक दिया जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन पद्धति दोस्तों इसमें दी है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपके लिए। अब बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई है। दोस्तों, अब की बार यह पहली बार हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है, क्योंकि कोई भी कारण हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी कम वैकेंसी निकाली गई है, केवल एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। पिछली वैकेंसी दोस्तों 2018 में निकली थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। तो शायद उनका
मानसिकता रही होगी कि शायद वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आगे निकालें या फिर डिवाइडेशन करके विभागों का निकालें। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, तो आप इंतजार कर सकते हो। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम समय समय पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों में वैकेंसी लेके आते रहते हैं। ज़्यादा वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और अभी दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो। अगली वीडियो फिर एक नई जॉब के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।